नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपका भी डाइजेशन आए दिन ख़राब रहता है, अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लगता है, थोड़ा सा ही खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगने लगता है, मोशन गड़बड़ रहता है, तो ये सिंबल हो सकता है कि आपका लीवर फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो। लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से हमें इस तरह के बहुत सारे आम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि लीवर डिसफंक्शनिंग के क्या कारण होते हैं और कैसे लक्षण आपको मिले जिससे आप पहचाने कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं, और ऐसे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका प्रयोग करके आप अपने लीवर डिसफंक्शनिंग को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और ये हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये हमारे शरीर के मल्टीपल फंक्शन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये हमारे शरीर में बाइल के प्रोडक्शन में, शरीर से टॉक्सिसिटी को निकालने में, डाइजेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी बहुत से काम है, लेकिन ये मैं मेजर वर्क इसके बता रही हूँ। अगर हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो हमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस शरीर में देखने को मिल सकते हैं। लीवर के सही से काम ना करने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका जो कोई इन्फेक्शन से आप सफ़र हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ हो आपको। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से किसी मेडिसिन अब्यूज़ पर रहे हो जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कॉज होता है आपके लीवर के ऊपर, क्योंकि लीवर हमारे शरीर से टॉक्सिक रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके ऊपर जितना एक्जर्शन आएगा फिर वो उसके फंक्शंस को गड़बड़ करने लग जा सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, बहुत चेन स्मोकर हैं, या इवन हेरिडिटरी भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ। कुछ लोगों में लीवर डिसफंक्शनिंग, फैटी लीवर, लीवर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लग जाती है। तो अगर आपको इन सब कारणों की वजह से आपको लग रहा है कि आपका लीवर डिस्टर्ब हो रहा है और आपका डाइजेशन इम्पैक्टेड दिख रहा है, आपका खाना सही से पचता नहीं है, आपको मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या बार बार जाना पड़ रहा है, या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रही है, आपने जब ब्लड चेक करा तो उसमें आपका जो लीवर के जो पैरामीटर्स हैं वो गड़बड़ आ रहे हैं, चाहे वो बिलिरुबिन हो सकता है या फिर आपके SGOT SGPT है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, इन सब में अगर आपको गड़बड़ी देखने को मिल रही है, इसका मतलब आपका जो लीवर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों होम्योपैथी की ऐसे ही अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में। मैं आज मदर टिंचर का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ करती हूँ अपने क्लिनिक पर, और ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करता है हम मेरे हर तरह के लीवर डिसऑर्डर पेशेंट्स पे, चाहे वो लीवर में सूजन हो, फैटी लीवर पे कंडीशन हो, इवन आपके लीवर में जो लीवर फंक्शन है उसके इम्पेयरमेंट पे हो, या किसी भी तरह के लीवर डिसऑर्डर पे ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कारगर रिजल्ट देता है। चलिए बात करते हैं उन मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है चाइना ऑफिसिनेलिस, जिसको आप सिंकोना भी बोलते हैं, जो फर्स्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की, एक बहुत ही अच्छा काम और रिजल्ट देती है हमारे लीवर के हर तरह के डिसऑर्डर के ऊपर। आपको चाइना ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर लेना है। नंबर दो मेडिसिन है चिनिलिडोनियम मेजर्स, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर लीवर डिसऑर्डर। ये आपके लीवर डिसफंक्शनिंग के ऊपर, आपके फैटी लीवर के ऊपर, लीवर इन्फ्लेमेशन जिसे हिपैटोमिगेली बोलते हैं, इसके ऊपर इसके बहुत ही अच्छे और कारगर रिजल्ट हैं। तो इस सेकेंड मेडिसिन इसको यूज़ करना है। तीसरी मेडिसिन है कार्डुअस मार, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर फैटी लीवर पेशेंट्स। अगर आपको पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लगता है, आपको लग रहा है कि खाना थोड़ा सा खाया आपका पेट बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूल गया है, आपको गैस बहुत ट्रैप्ड सी रह रही है, कार्डोस बहुत अच्छी काम करती है। एंड फोर्थ मेडिसिन है कालमेक, आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर लीवर। ये हमारे फैटी लीवर के केस में भी, इवन गॉल के केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, लीवर डिसफंक्शनिंग पे बहुत अच्छा काम करती है। तो इन चारों मदर टिंचर्स को आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से परचेज करके लाना है, बस सील पैक्ड दवा लाएं ताकि आपको पता रहे जो दवा आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है और कोई अदर मेडिकेशन आपने नहीं ली है। इन सभी की आप 30-30 ml की बॉटल ले आइए, और एक जो है आप बड़ी बॉटल 100 ml की ले लें, नॉर्मल आपको होम्योपैथिक शॉप पे अगर आप मांगेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ आप ड्रॉपर ज़रूर लगवा के लाएं। इन चारों ही दवाओं के 20-20 ml को आप उस एक 100 ml की बॉटल में डाल दें, बाकी का जो 20 ml बच रहा है उसको खाली छोड़ दें ताकि आप दवाओं को अच्छे से इक्वली मिला सकें, और इस दवा को 20 बूंद आपको एक
हाफ कप वाटर में डाल के दिन में 3 बार लेना है और 1 से 2 महीने आप इसका नियमित सेवन करें, आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपका खाना बहुत अच्छे से पहले की कंपैरिजन में पचना शुरू हो जाएगा, आपको भूख अच्छे से लगनी शुरू हो जाएगी, जो आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकार बदहजमी सी होती थी, पेट फूलता था, वो भी कम हो गया है और पहले से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं, क्योंकि लीवर के ऊपर जितनी टॉक्सिसिटी आती है वो उतना फ्री रेडिकल हमारे शरीर में रखता जाता है और हमें बहुत ज़्यादा डलनेस सी महसूस होती है, बहुत सुस्ती महसूस होती है, स्किन का कलर पहले से ज़्यादा अच्छा शाइनी हो गया है क्योंकि आपके शरीर से जो इम्प्योरिटी थी वो आपके शरीर ने बाहर निकाल दी है। तो इसको डेफिनेटली ट्राई करें और ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको उसको लेने के बाद कैसा रिजल्ट मिला। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इसकी हाफ डोज दें, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आप 10 बूंद दे सकते हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चों को, अगर 15 साल तक के बच्चे हैं तो आप 15 बूंद दें, 15 से ऊपर सभी बच्चे लोग 20 बूंद का सेवन कर सकते हैं। तो इसको आप 2 महीने तक अगर यूज़ करेंगे तो आप अपने लीवर संबंधित हर परेशानी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।